मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे अपराध शाखा एक ने काबिले तारीफ काम किया है। मुंबई सीएसटी से 2 माह का बच्चा गायब हो गया था, मगर उस बच्चे को अपराध शाखा ने ढूंढ निकाला है, जिसकी चारों तरफ इस कार्य की सराहना हो रही है। 3 फरवरी 2019 को मुंब्रा रेलवे स्टेशन से एक 10 माह का सलमान नाम का बच्चा गायब हो गया था, जिसकी तलाश में ठाणे अपराध शाखा कर रही थी। मगर तभी 29 मार्च 2019 को सीएसटी के रेलवे प्लेटफॉर्म से 2 महीने के बच्चे की अपहरण की खबर सामने आई, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाने लगे। सीसीटीवी में जो महिला मुंब्रा अपहरण केस की महिला लग रही थी, इसी के आधार पर अपराध शाखा एक ने जीआरपी से मिलकर तहकीकात शुरू की। एक मामला दर्ज हुआ था रेलवे पुलिस स्टेशन के अंदर, सीएसटी के अंदर। उसके बाद अपने को पता चला, क्योंकि थाना में भी ऐसे मामले सामने आने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर ये चल रहा था, तो हमारे माननीय पुलिस आयुक्त सर ने बताया कि अपना एक टीम बनाई है, उसके अंदर मुंबई होगा, थाना शहर होगा, उसके बाद पालघर, ठाणे ग्रामीण, नवी मुंबई या आसपास के इलाके में जितने भी बच्चे किडनैप हुए हैं, क्योंकि कैसे उनका बेस कहीं तो भी एक रहता है, ये जब बच्चे चुराते हैं तो उनका कोई तो भी एक बेस रहता है, और ये शहर जो है एक दूसरे को लगती शहर है, यानी मुंबई तुम बोलोगे तो कभी कभी लोग बोलते कि थाना ये मुंबई में ही आता है, या फिर ठाणे ग्रामीण का कुछ हिस्सा है ये ठाणे शहर के से जुड़ा हुआ है, ये साले नवी मुंबई है, पालघर है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए इलाके हैं। तो सर ने बोला कि ये सब, उसके बाद रेलवे एक मेजर फैक्टर है कि जहाँ से भी बच्चे चोरी होते हैं, तो सर ने बताया कि अपन एक ज्वाइंटली ऑपरेशन करेंगे, तो हमारे थाना क्राइम ब्रांच की जो हमारे अफसर है भोसले साहब और उनके साथ में जो भी हमारी टीम थी, उस टीम ने काफ़ी अच्छा इसमें परिश्रम किया, उसमें हमारे रेलवे के जो अधिकारी है कर्मचारी है उन्होंने भी काफ़ी हमको सहयोग दिया, क्योंकि उनके साथ हमने ये ऑपरेशन को अंजाम दिया। हमको जब पता चला, हमने सीसीटीवी फुटेज भी हमने उसके अंदर देखे थे, उसके बाद कुछ नंबर हमको मिले थे, उसके बाद हमको पता चला कि उस महिला का लोकेशन ये नासिक में मिल रहा है, तो नासिक में हमारी टीम जाके उस महिला को हमने कल उसको हिरासत में लिया और बच्चे को भी हमने हमारे ताबे में। सीसीटीवी और मुखबिरी के जरिए अपहरणकर्ता महिला को नासिक से सीएसटी से अगवा किए बच्चे के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस महिला का नाम नीलम संजय बोरा 35 साल है। 363 के तहत मामला दर्ज कर सीएसटी रेलवे पुलिस इसकी जांच कर रही है, मगर वहीं 10 माह के सलमान की भी खोजबीन जारी है। इस घटना की जांच के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में कई टीमें बनाई गई थी, मगर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नितिन ठाकरे, पुलिस निरीक्षक रणवीर व्यास, सहायक पुलिस निरीक्षक अविराज, सहायक पुलिस निरीक्षक संदीप वागुले, सहायक पुलिस निरीक्षक समीर अहिरवार, सहायक पुलिस निरीक्षक समीर अहिर राव, सुनील जाधव, आनंद भिलारे, दादा पाटिल, विक्रांत कांबले, रिजवान सैयद, राहुल पवार, नीलम वाकचोरे कर रहे हैं। नीलम वाकचोरे, इन सभी लोगों ने इस बच्चे को ढूंढने का सराहनीय कार्य किया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।